अब इसका और पार्ट देख लेते हैं। अरे फ्लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 10 पावर 14 हर्ट्स इज पास थ्रू अ लिक्विड। द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी 450 × 10 पावर -9 मीटर। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई वी। सी तो पता है 3 10 पावर 8 है, हमें बस वेलोसिटी निकालनी है। हमको पता है कि जब लाइट आएगी तो लिक्विड में बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 10 पावर 14, ये बदलती ही नहीं है, ये हमेशा सेम रहती है। ओके हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स। तो अब फ्रीक्वेंसी तो हमें इस मीडियम में भी वही मिलेगी, और हमको जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है 450 10 की पावर -9 मीटर, ये वेवलेंथ है। इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड निकालने से भी आ जाएगा पानी के अंदर कितनी, कहती है न्यू लैम्डा, ठीक है। तो कितना है 5 10 पावर 14 इंटू 450, कितना आ जाएगा 10 की पावर -9। ओके सो पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये आपका 45 5 ज़ा 225 और 0 10 की पावर +5 या 2.25 10 की पावर 8, ये आ गया। सो म्यू आ जाएगा 3 10 पावर 8 अपॉन 2.25 10 की पावर 8, ये कैंसिल। सो हो जाएगा 300/225 75 4 से 75 3 ज़ा 1.33 इज़ दी आंसर टू द क्वेश्चन।